इसी को मेन है वॉइस, जिसको हम लोग साउंड कहेंगे, इसी साउंड को हमको कम्युनिकेट कराना है जो अभी मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आपके पास पहुंची, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 20 हर्ट्ज है। ये कंसेप्ट आज के डेट में जानना बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम जो आवाज है, मैं जोर से चिल्लाऊंगा हेलो कोटनागर पहुंच जाऊंगा, इससे भी ज्यादा चिल्लाऊंगा कोटनागर तक पहुंच जाऊंगा, वो मैक्सिमम क्या है हमारा 3.4 किलो हर्ट्ज। ये 20 हर्ट्ज क्या है, व्हाट इज द मिनिमम 20 हर्ट्ज? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? हाँ सही है, वेरी गुड। जैसे कहने का मतलब है, ये हर्ट्ज का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक साइकिल में, एक सेकेंड में, जैसे कि हम लोग साइकिल पर बैठते हैं, एक सेकेंड में जितने बार रोटेट करेगा तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि ये है, यहां पर हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं एक सेकेंड के अंदर, वन रोटेट कर गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो एक सेकेंड में ये क्या करता है कि यदि ये ऐसे रोटेट करता, ये हम लोग डायग्राम में तो ऐसे बनाते हैं साइनसॉइडल मोड में, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि एक बार देखिए टॉप, मान लीजिए टॉप है तो रोटेट कर रहा है, तो एक बार ये नीचे चला गया, ये जितने मैंने फर्स्ट हाफ है ये, हाँ तो क्या कर रहा है, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ, फिर ये नीचे चला गया। देखिए ये फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में ये 20 बार रोटेट किया, 20 टाइम्स रोटेट किया, यानी ये मतलब 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर ये चला गया। दिस इज ए रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। हमेशा जब भी फ्रीक्वेंसी की बात आती है ये रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, जैसे बस ट्रेवल कर रही है तो व्हील जो है रोटेट कर रही है, तो एक सेकेंड में जितने टाइम्स रोटेट करेगा उतना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, यानी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो मेन हमारा वॉइस जो निकल रही है, ठीक है, ये रोटेट करते हुए निकल रही है, रोटेट करती है तो एक सेकेंड में 20 साइकिल बनाता है, 20 साइकिल रोटेट करते हुए जाती है, तो रोटेट करने का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब हम ये 20 साइकिल रोटेट किया, यानी आपके आपके पास तक पहुंचा, जब इस बस हेलो, तो मान लीजिए 50-100 हर्ट्ज हुआ, यानी एक सेकेंड में 100 साइकिल कंप्लीट किया, यानी रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, डिस्टेंस कवर्ड कर लिया। फिर हमने बात करता हूं 3.4 यानी साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3400 साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कोटनागर तक हमारी आवाज पहुंच जाए। ये कैसे है, ये वॉइस जो है हमेशा एयर के ऊपर में, ये कैरियर सिग्नल है तो एयर के ऊपर सुपर इम्पोज होके रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस को कवर्ड कर रहा है, जो आपके कानों तक पहुंच रही है, मैं बोल रहा हूं आपके कानों तक पहुंच रही है, दिस इज ए रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। अब रहा सवाल कि मैं कोटना नाला तक ये बात पहुंच रही है, उसके आगे क्यों नहीं जा रही है, तो क्या हुआ, एयर का स्पीड क्या होती है, हमारे साउंड की स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 330 मीटर। और लाइट की स्पीड क्या होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको 30 लाख, एक सेकेंड में 30 लाख किलोमीटर ये ट्रेवल करता है, ये कैरियर सिग्नल है। तो हमारी इस वॉइस को इस लाइट के ऊपर में सुपर इम्पोज करना है। अब एक सेकेंड में 30 लाख किलोमीटर, हमारे पूरा वर्ल्ड मतलब कहीं भी जा सकता है, आप फोन पर बात करते हैं तो ज्यादा जितने भी कम्युनिकेशन हो रही है, आप यहां पर सेकेंड भी नहीं लगता है आपको मुंबई में पहुंच जाती है। तो इसी कैरियर सिग्नल के ऊपर में हमारी वॉइस को रखा जा रहा है,